अपनी प्रशासनिक कार्यशैली से खासे लोकप्रिय हुए 2012 बैच के IAS अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने खरगोन जिला कलेक्टर का पदभार संभालने के बाद HW24 न्यूज मध्य प्रदेश से खास बातचीत की। नवागत ASI अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने विश्वास दिलाया है कि जिले में आम जनता से जुड़े सभी प्रशासनिक विषयों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। देखिए पूरी खबर। सर, सबसे पहले तो आपको खरगोन जिले में जिला कलेक्टर पद स्थापना पर के लिए आप शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से। अभी जो भी अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं उनसे सबसे पहले सवाल एक ही किया जाता है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कानून व्यवस्था को लेकर जो एक प्रशासनिक मौजूदगी है, जो कहीं ना कहीं पिछले जो यहाँ पे दंगे की स्थिति बनी उसमें प्रशासनिक कुछ कमजोरियाँ देखी गई जो आम चर्चा का विषय भी रहा, आपकी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी सर इन चीज़ों को लेकर? देखिए, पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि पूरे ज़िले में शांति रहे और जो घटनाएं हुई हैं उसकी पुनरावृत्ति ना हो। घटनाओं के जो कारण हैं वो सबको पता है और हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया है। बेसिकली जो सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं उसके कुछ तात्कालिक कारण होते हैं, कुछ दीर्घकालिक कारण होते हैं। हम उस दीर्घकालिक कारणों की पड़ताल कर रहे हैं और जो लोग इसमें दोषी हैं या जिन्होंने दंगा भड़काने का काम किया है उनके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो सिर्फ IPC की धाराओं तक सीमित नहीं रहेगी। उनके जितने अवैध धंधे हैं जिससे वो अवैध धन अर्जित करके दंगों को फंड करते हैं उसको सख्ती से बंद किया जाएगा। सर, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, जैसे हमने काफ़ी कुछ समझा आपके बारे में, सुना है कि एक आप अनुशासित व्यक्तित्व हैं और आप प्रशासन में भी वही चाहते हैं। खरगोन जिले में भी कई योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की जो संचालित की जा रही हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित की जा रही हैं, लेकिन कुछ समय से ऐसा रहा है उनमें देखा जा रहा है कि जो प्रशासनिक मॉनिटरिंग है उसमें कमी के कारण कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है। देखिए, कानून व्यवस्था के कारण थोड़ी सी प्रायोरिटी चेंज हो गई होगी। हर प्रशासनिक अधिकारी चाहता है, जो भी कलेक्टर आते हैं उनका उनकी ये भूमिका होती है कि चीज़ें आगे बढ़ें। मेरा भी उद्देश्य यही रहेगा कि जो विकास के काम हैं वो बिना किसी बाधा के हों और जो केंद्र और राज्य शासन की योजनाएं हैं उसमें ये जिला अव्वल रहे। खरगोन जिला निमाड़ क्षेत्र भोले भाले लोग हैं, जैसा कि आपका कहना है कि मध्य प्रदेश जो है काफ़ी खूबसूरत प्रदेश है और बहुत ही भोले भाले और ईमानदार लोग हैं इस प्रदेश के। खरगोन जिले में भी सर काफ़ी पोटेंशियल है जैसा आप समझते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ये रही कि प्रशासनिक अधिकारी जो भी आए वो एक लीक पर ही चले कि जो निर्देश रहे उन्होंने उन्हीं चीज़ों के में आगे बढ़ते रहे, उन्होंने इस जिले की संभावनाओं को तलाशा नहीं। तो क्या आपकी ओर से ऐसी कोई पहल होगी सर? देखिए, डेवलपमेंट जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है, हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है और निश्चित तौर पर सबका योगदान रहा है। हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि जो जिला है विकास के पथ पे तेज़ी से अग्रसर हो, जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनकी बाधाएं दूर की जाए और विकास के काम तत्काल शुरू हो या जो चल रहे हैं उनमें और तीव्र गति आए। सर, खरगोन जो मुख्यालय है यहाँ पर आसपास कुछ छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर सिकलीगर समुदाय रहता है और कई दशकों से, लगभग 3 दशक से उनमें काफ़ी उनको मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वो अपराध से हट करके, जो हथियार निर्माण है उससे हट करके वो आम लोगों के साथ आम जीवन व्यतीत करें, लेकिन बार बार प्रशासन के जो प्रयास हो रहे हैं और प्रयासों में ये देखा जा रहा है कि उनको एक नया जॉब दिलवा रहे हैं, लेकिन जो पारिवारिक रूप से उनको ऊपर उठाना चाहिए, मतलब उनकी पत्नी है या बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर के उनमें जो उम्मीदें जगाना है ये प्रयास अभी तक नहीं हो सके और बार बार ये प्रशासनिक जो भी पहल नहीं ये धाराशाही होती रहेंगी। क्या आपकी ओर से कोई नया एक कोई योजना तैयार की जाएगी इन परिवारों को फिर से? आज दूसरा दिन है तो मुझे ये देखना होगा कि अब तक क्या काम हुए हैं और क्या ज़रूरतें हैं, उसके बाद ही कोई बात इस पर कर पाएंगे। सर, आप यहाँ आए, आपको एक बार फिर से हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप इस जिले में जो भी आपके पूर्व में, जैसे कि आप कोरोना को लेकर रतलाम में आपका काफ़ी सराहनीय कार्य रहा और खरगोन जिले का आपको आप दायित्व मिला है, इस जिले की जो जनता है आपसे काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठी है, शायद आप तक ये खबरें पहुँची होंगी कि यहाँ आपके आने को लेकर जश्न मनाया जा रहा था, तो बदले में सर आपकी ओर से कोई संदेश? देखिए, मेरी कोशिश ये होगी कि मध्य प्रदेश शासन की और लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे और एक व्यवस्थित पारदर्शी प्रक्रिया से काम हो, लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, गवर्नेंस बेहतर हो और
लोगों को ये एहसास हो कि ये पूरी व्यवस्था उनके लिए काम कर रही है। सर एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।